सबसे पहले जब रिमा जी ये फिल्म बनाना चाहते थे तो काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन शायद उनको पसंद नहीं आया होगा। फिर किसी और ने मुझे रिकमेंड किया और मैं रिमा मैम से मिलने गया। मेरा भी वही हाल हुआ, 3-4 घंटे मैंने उनके साथ में सिटिंग की। सिटिंग के साथ कुछ पसंद नहीं आ रहा था, काफ़ी कंपोजिशन सुना है। आखिरी 5 मिनट्स जो थे, मैंने कहा कि मैं आखिरी गाना सुनाता हूँ आपको और फिर मैं, कोई बात नहीं, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। जब मैंने आखिरी गाना उनको सुनाया, हे साजनिया, तब उन्होंने आँखें बंद कर लीं और पूरा गाना सुना, मतलब कंपोजिशन सुनी, और उन्होंने कहा कि मुझे ये चाहिए था। वो मेरा सेमी क्लासिकल गाना था जो सुखविंदर साहब ने गाया, उसको बहुत अच्छी तरह से गाया, और उस वक्त उन्होंने मुझे साइन कर लिया और बोले कि मेरे फिल्म के सारे गाने आप करेंगे। वहाँ से हमारा सिलसिला शुरू हुआ। बहुत अच्छे वाक़ थे इन लोगों के साथ में, जैसे कि हमने तुम्हें चाहती हुई ये गाना जब मैंने कंपोज किया तो रीमा मैम पूछते थे कि इसके लिए कौन सिंगर। मैंने कहा ये कविता जी के अलावा कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो हम कविता जी से मिले, कविता कृष्णमूर्ति से। उन्होंने गाना सुना और उन्होंने बेहद तारीफ़ की, और मतलब हमारा सबका ये फेवरेट गाना है तुम्हें चाहती हूँ, और बखूबी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने निभाया। और सूफी साहब के साथ में जो हमने एक सूफियाना गाना बनाया अल्लाहू, और एक दर्द वाला और रोमांटिक है जिसमें सुखी साहब ने अल्लाहू ये गाना गाया, तो सुखिंदर साहब ने जब ये अल्लाहू गाया, अल्लाहू सुना हमारा गाना और साजनिया सुना, तो उसमें उनको लगा कि, और हमारे छोटी बजट की फिल्म थी, छोटी फिल्म थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये छोटी फिल्म है। छोटी फिल्म ना सोचते हुए उन्होंने जो इन्वॉल्वमेंट किया, जो हमारे गानों में जो उन्होंने जान डाल दी, जो अच्छे से हमको कोऑपरेट किया, निभा के जो गाया, आप सुनेंगे यकीनन आपको बहुत बहुत पसंद आएंगे गाने। और फिर है वसुंधरा दाजी, जो इंग्लिश गाना है हमारे हीरोइन के लिए, तो इंग्लिश गाने के लिए उसका एक बच्चापन, एक लड़कपन ऐसा था, तो उसके लिए हमने सोचा कि ये इंग्लिश गाना है तो एक्सेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो वसुंधरा दास जी से हमने गवाया और बहुत अच्छा गाना रहा। फिर है हरी जी, हरिहरन जी, दर्द और हरिहरन साहब का रिश्ता बहुत पुराना है, उन्होंने बखूबी इतना दर्द डाल दिया उसमें कि गाना उभर के आ गया। हमारा जो म्यूज़िक है हर दिल में बसना चाहिए और लोगों ने याद करना चाहिए कि यार बहुत दिनों के बाद एक फिल्म आई है, इस तरह का म्यूज़िक आया है जो हम पसंद करते, जो कुल है, जो जो सुन के जिनको दिल को अच्छा लगे, ये हमने कोशिश की है। मेरा रिएक्शन बहुत, मैं बहुत एक्साइट हुआ था कि चंपक जी, मतलब वीनस, हमारा म्यूज़िक रिलीज़ कर रही है, बहुत एक्साइट था और इतनी खुशी हुई कि इतने बड़े रिनाउंड कंपनी ने हमारा म्यूज़िक लिया। और खुद चंपक जी बाहर थे, आउट ऑफ कंट्री थे, वो आए और उन्होंने, उनके हाथों से हमारा इनॉग्रेशन हुआ, इससे बड़ी खुशी मैं चाहता हूँ कि और कुछ नहीं है। ये सारे गाने आप सुनिए, सब सुनिए, तो उसके लिए आप लोगों को जाना है www.youtube.com/venus। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.